उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भरतपुर जिले के ऊंचा नगला बॉर्डर से लखीमपुर खीरी तक पैदल मार्च निकालने पहुंचे। इस दौरान दौसा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने कहा कि इतना अत्याचार तो आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों ने भी नहीं किया जितना आज किसानों और किसानों की बात करने वालों पर हो रहा है। लखीमपुर खीरी में पीड़ित किसान परिवारों से कांग्रेस नेताओं को मिलने नहीं दिया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने रीट परीक्षा को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा। इस अवसर पर दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा, कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम भंडारे, मीडिया प्रभारी उमा शंकर बनियाना आदि मौजूद रहे। जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है तब से किसानों के साथ अत्याचार और अन्याय हो रहे हैं। 3 काले कानून उनके ऊपर लादे गए, आज तक किसान 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा है। और अब तो हद होगी जब उत्तर प्रदेश में किसानों को गाड़ी से कुचला गया, मारा गया, उनकी हत्या की गई। केंद्र के मंत्री का बेटा उसमें शामिल बताया जा रहा है, उसके बावजूद न तो उनका इस्तीफा हुआ, न उसके बेटे की गिरफ्तारी हुई, न अन्य जो मुलजिम है उसकी गिरफ्तारी हुई। उल्टे जब सोनिया गांधी जी के निर्देश के ऊपर जब प्रियंका जी वहाँ जा रही हैं, जो शहीद की बेटी हैं, भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की बेटी है, वो जब जा रही हैं वहाँ पर, तो उनको डिटेन किया गया, रोका गया, ऐसी जगह वहाँ पर कैद किया गया जहाँ पर न बिजली, पानी, न शौचालय, कोई सुविधाएं नहीं है। राहुल गांधी जी को रोका गया और जो हालात बनाए, वो जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तब अंग्रेजों ने भी जो जुल्म नहीं किए, वो जुल्म आज किसानों पे और किसानों की बात करने वाले लोगों पे हो रहे हैं। बनता है कि हम किसानों के साथ खड़े हों। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम सब लोग पूरे देश में, प्रदेश में किसानों के साथ में खड़े हैं। अब आपने देखा, प्रियंका जी को रोक दिया, डिटेन कर दिया, सचिन पायलट जी को रोक दिया, आप देखिए राहुल जी को रोक दिया, कोई किसी को जाने नहीं दे रहा, बात नहीं करने दे रहा। जब किसान के घर कल राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी गए तो वो फूट फूट के रोने लग गए कि किस प्रकार हमारे बेटों की हत्या की गई है। इसके बावजूद भी इनमें जरा भी संवेदनशीलता नाम की कोई चीज़ नहीं है, नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है कि उनके ऊपर कार्रवाई करके। अमित शाह जी बुला रहे हैं केंद्र के मंत्री को और उसको कमरे में बैठा करके इस्तीफा लेने के बजाय ये कह रहे हैं कि मस्त रहिए, कुछ नहीं होता, ये ऐसे ही करते रहेंगे, आप तो अपना काम कीजिए और उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाइए। भारतीय जनता पार्टी के पास में इस रीट परीक्षा के बाद में कुछ बचा नहीं है कहने को और करने को, क्योंकि जिस प्रकार का उत्सव के साथ में फ्री में परीक्षा दिलाई गई, जो लोगों ने NGO, भामाशाह, गाँव के लोग, जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी के हों, सब ने आके आकर के सहयोग किया, खाना खिलाया, रहने का स्थान दिया और शानदार तरीके से 31,000 की भर्ती करा दी। 16 लाख लड़के किसको कहते हैं परीक्षा देना, उसमें से 31,000 की भर्ती। आज भारतीय जनता पार्टी का शासन है हरियाणा में, 7 साल से कोई एग्ज़ाम नहीं हो रही है, कोई भर्ती नहीं निकल रही है। तो इनको समझना पड़ेगा कि बच्चों के भविष्य के साथ में ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए खिलवाड़ करना चाहते हैं, वो गलत बात है। SOG जांच कर रही है। पहली बार सरकार ने ये फैसला लिया है कि हम लोग बर्खास्त करेंगे ऐसे कार्मिक अगर सरकारी मिलेंगे। पहली बार फैसला लिया है कि कोई प्राइवेट अगर स्कूल होगी तो उसकी मान्यता समाप्त की जाएगी। 10-10, 12-12 FIR लोज की गई हैं। SOG अपना काम कर रही है, इनको केवल राजनीति करनी है। 3 दिन तक तो इनसे उठा नहीं गया कि इतनी शानदार परीक्षा हो कैसे गई, अगर 31,000 की भर्ती मिल गई तो अभी 30,000 की भर्ती शिक्षा विभाग और निकाल रहा है, पटवारी की भर्ती हो रही है, ग्राम सेवक की भर्ती हो रही है। तो ये भर्तियां बेरोजगारों को रोजगार देना जो राजस्थान की सरकार दे रही है, ये इनकी पच नहीं रहा है। किरोड़ी जी अकेले इस तरह की बातें करते हैं, आप गुलाब चंद कटारिया का बयान लीजिए, और अगर वो ये कहते हैं कि ये भर्ती नहीं होनी चाहिए, ये जो है वो इनको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, तो आप पूछिए। कल तक तो कह रहे थे कि मेरे को कहा गया है कि हम लोग सारे BJP के MLA और सांसद आएंगे, और आज कह रहे हैं अरुण सिंह से मिलने जाऊंगा और पूछूंगा कि BJP के MLA क्यों नहीं आए। तो ये मात्र कुछ लोग जिनको अपनी पार्टी पूछ नहीं रही है, वो अपनी पूछ कराने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं।
दूध का दूध पानी का पानी होगा, जांच होगी, कोई भी गड़बड़ पाई जाएगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन बेरोजगारों के साथ में इस प्रकार राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हम लोग उनके साथ में उनके हितों पे कुठाराघात नहीं होने देंगे। भर्ती करेंगे, 31,000 की भी करेंगे, शेष भर्तियाँ भी करेंगे।